हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित की गई कांवड़ यात्रा के बाद अब गंगा जल से भरे 3000 केन अन्य राज्यों को भेजी जा रही हैं। जी हां, कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने से बाहरी राज्यों के शिव भक्तों के हरिद्वार आने पर रोक है। ऐसे में हरिद्वार से केन में गंगा जल भरकर बाहरी राज्यों को भेजा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने 3000 केन ट्रक से बाहरी राज्यों को भेजा। सावन के महीने में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कांवड़ यात्रा रद्द होने से दिल्ली, हरियाणा और यूपी के शिव भक्तों के लिए गंगा जल भेजा जा रहा है। इसके लिए शासन ने व्यवस्था की है। रविवार को हर की पेड़ी पर श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नगर आयुक्त जय भारत सिंह समेत कई पदाधिकारियों ने गंगा पूजन कर केन में गंगा जल भरा। 3000 केन भरने के बाद ट्रक में गंगा जल की केन पश्चिम यूपी और दिल्ली एवं हरियाणा के शिवालयों के लिए भेजा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की ओर से शिव भक्तों की आस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रविवार से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन का पहला दिन और वीकेंड होने से हर की पेड़ी व आसपास के गंगा घाटों पर कोविड नियम से फिर तार तार हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने कोविड संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज करते हुए डुबकी लगाई। पुलिस प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना रहा। हरिद्वार आने के लिए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता, हर की पेड़ी पर कोविड एसओपी के पालन कराए जाने के दावे हवा में उड़ गए। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर शिवालयों में जल चढ़ाया। हरिद्वार में कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा बंद की गई है। कांवड़ियों के प्रवेश पूरी तरह रोक है। बाहरी यात्रियों के लिए जिले में प्रवेश करने के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यता लागू है। बॉर्डर से लेकर हर की पेड़ी तक पुलिस चौकसी का दावा भी किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पूर्व स्नान के बाद सावन के पहले दिन हजारों की संख्या में बाहरी श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे। हर की पेड़ी पहुंचने वाले रास्तों में पुलिस फोर्स तो रही, लेकिन रोक टोक नहीं दिखी। बेखौफ होकर श्रद्धालु हर की पेड़ी एवं आसपास के घाटों में पहुंचे और डुबकी लगाई। श्रद्धालु हर की पेड़ी स्थित घाटों के प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क घूमते नजर आए। जहां तहां खाने के बाद गंदगी वहीं फैलाकर चले गए। अपराह्न तक हर की पेड़ी पर काफी संख्या में श्रद्धालु रहे। पुलिस उद्घोषक यंत्रों से श्रद्धालुओं को कोविड से बचाव के लिए जागरूकता संदेश लगातार प्रसारित करती रही, लेकिन बिना मास्क पहने घूमने वालों को रोका टोका तक नहीं। कांवड़ मेला स्थगित किए जाने के बाद पुलिस बॉर्डर पर लगातार सख्ती बरत रही है। पुलिस ने रविवार को 105 वाहनों को बॉर्डर से वापस भेजा। बॉर्डर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। श्यामपुर थाना प्रभारी अनिल चौहान ने बॉर्डर पर चेकिंग की, जिसके तहत लाहौरपुर बॉर्डर पर शाम 4 बजे से 45 व चिड़ियापुर बॉर्डर से 60 वाहनों को वापस भेजा गया है। कांवड़ियों को लेकर रुड़की लक्सर ज्वालापुर में पुलिस ने चेकिंग भी शुरू कर दी है। रुड़की में चेकिंग के दौरान युवाओं की एक टीम रविवार को जीआरपी के जवानों को मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वह रुड़की में आर्मी भर्ती में शामिल होने के लिए आए हैं, जिसके बाद उन युवकों को जाने दे दिया। कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित की गई कांवड़ यात्रा के बाद यदि शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए ट्रेनों से हरिद्वार आते हैं तो उनका वापस जाने भेजने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने शटल बसों की व्यवस्था की है। ट्रेन से हरिद्वार और आसपास के स्टेशन पर उतरने वाले शिव भक्तों को बसों से वापस बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। हर रेलवे स्टेशन पर शटल बसें खड़ी हो गई हैं। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक कुल 28 शटल बसें लगाई गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू, टेक केयर।